पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ट्वीट, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्वीट कर आंदोलन से नाम वापस लेने की बात को इन्होंने नकारा है। नाम वापस लेने की खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जो है वो जारी है। तो खबर ये निकल कर सामने आ रही थी कि साक्षी मलिक जो है वो अपने काम पर वापस लौट आई हैं, तो ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि शायद ये आंदोलन से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी है अपने ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने ट्वीट किया है कि नाम वापस लेने की खबर बिल्कुल गलत है, इंसाफ की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे और इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ये ट्वीट हम आपको बता दें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नाम वापस लेने की खबर जो है वो बिल्कुल गलत है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाए। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी खुद दे दी है। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर साक्षी मलिक जो है वो अपने रेलवे की जॉब पर वापस लौट गए हैं। हालांकि खबर ये चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि शायद इन्होंने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है, तो इन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा है कि अभी तक हमारी लड़ाई जारी है। बजरंग पुनिया का ट्वीट, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है, हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की FIR उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलते तक लड़ते रहेंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आंदोलन वापस लेने की खबर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ट्वीट इसे लेकर सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई से हम पीछे नहीं हटे हैं, आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी, इसके अलावा हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी। जी राशि, आपको बता दूं कि काफी दिनों से जो है बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उसे सजा को लेकर जो है पहलवान की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। उस बीच अब आज ये खबर सामने आई है कि जो साक्षी मलिक है या बाकी पहलवान है, उन्होंने जो है प्रदर्शन से अपने आप को पीछे हटा लिया। जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे खुद को पीछे हटा लिया और अपनी अपनी नौकरी पे दोबारा ज्वाइन कर गया। मगर इसको लेकर साक्षी मलिक की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो उनकी तरफ से एक जो बातें सामने आ रही थी कि उन्होंने धरने से पीछे हट गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये खबरें बेबुनियाद है, झूठी है, अफवाह है, इसकी ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि हमने धरने से पीछे हटे हैं। सत्याग्रह पर हम चल रहे हैं और सत्याग्रह हमारा साथ साथ चल रहा है। इसके साथ ही हमने अपनी जो ड्यूटी है, जो उत्तर रेलवे में जो जॉब करती थी वो उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया। वो उन्होंने कहा कि जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका निर्वाह कर रही हूँ, उसको निभा रही हूँ सत्याग्रह के साथ साथ। इसके बीच बजरंग पुनिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं वो कोरी अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, हम ना पीछे हटे हैं ना हम पीछे हटेंगे और हमारी ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो इससे पहले भी एक खबर आई थी कि जो नाबालिग लड़की है उसने जो है FIR से अपने वापस ले ली है, अपना नाम हटा लिया है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि ये खबर भी झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना तो ये उस पहलवान ने जो नाबालिग बताई जा रही है अपनी FIR वापस ली है, कोई रिपोर्ट वापस नहीं। उसके जो पिता है उन्होंने भी इस चीज को आके क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक अफवाह है, ये झूठ बोला जा रहा है कि हमने जो है कंप्लेंट वापस ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहलवानों का जो जो इंसाफ की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से कहना वो जारी है, वो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अरुण बने रहेगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी हितेंद्र भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो लगभग एक महीने से ज्यादा वक्त बीत गए थे, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं पहलवान, जो सरकारी नौकरी है इनकी उन पर वापस जा रहे हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर ये कह दिया है कि इंसाफ की लड़ाई तो चलती रहेगी लेकिन हम अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, किस तरह से समझा जाए इसे?
बिल्कुल राजश्री, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की खबर सामने आई, उस दौरान ये बात मानी जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो अब इस मामले में मोड़ आएगा, और वैसे ही कुछ ना कुछ देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लंबा संघर्ष इन खिलाड़ियों का चल रहा है, पहलवान पहले जंतर मंतर पर बैठे और उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री ने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से दो कमेटियों का गठन किया गया था, जाँच करने की बात कही गई थी जनवरी में जब ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर पहुंचे थे, उस दौरान राजनीति से भी अलग रहे थे, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को वहां पर अपना झंडा लेकर के जाने की या कुछ कहने की परमिशन खिलाड़ियों की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब कुछ समय बीता और जो वो टाइम लिमिट थी जांच की, जांच रिपोर्ट आने की, तो जब वो रिपोर्ट नहीं आई तो उसके बाद एक बार फिर से खिलाड़ी पहुंचे और राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण दिया, तमाम खाप पंचायतों को, किसान संगठनों को, तमाम ऐसे संगठनों को इन्होंने बुलाया और ये लोग पहुंचे भी, समर्थन भी किया खिलाड़ियों का तमाम लोगों ने। हालांकि बीजेपी नेताओं की अगर मैं बात करूं, हरियाणा बीजेपी के नेताओं की खासतौर पर अगर बात करूं, तो हरियाणा बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक बार भी कोई भी खिलाड़ियों के विरुद्ध में जाकर के कोई बात जो है वो नहीं कही गई, यानी कि खिलाड़ियों के सम्मान में बात कही गई, लेकिन खिलाड़ियों से साथ ही ये भी अपील की गई कि जाँच में सहयोग करें, जाँच चल रही है, जाँच पूरी जब सामने आ जाएगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ आप देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी ये माना जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनको फॉलो करने की बात जो है वो कही गई है। और इसीलिए अब क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं, ये पहले से जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना इनका प्रदर्शन रहा है, उसी के आधार पर इनको रेलवे में नौकरी मिली थी और रेलवे में नौकरी पर अब ये वापस लौट गए हैं, रेलवे में ज्वाइन कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही थी कि इन पहलवानों ने अपना नाम वापस ले लिया है आंदोलन से, अब इस तरह का आंदोलन जो है वो नहीं होगा, आंदोलन खत्म करने की बातें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन दो जो मुख्य खिलाड़ी इस चेहरे के जो जो इस आंदोलन का जो चेहरा रहे हैं, साक्षी और बजरंग पुनिया, उन दोनों ने ट्वीट किया है इस पूरे मसले को लेकर के, उन्होंने साफ किया कि इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो रेलवे में भी अपनी भूमिका साथ में निभाती रहेंगी, साथ में काम करती रहेंगी, और ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इंसाफ की लड़ाई, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश के गृहमंत्री अमित शाह अगर इस मामले में खुद सामने आए हैं, खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की है, तो अब यहाँ पर इस चीज़ का हर किसी को इंतजार है कि मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो नाबालिग पहलवान की जो बात कही जा रही है, जिसके आधार पर, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जब मामला दर्ज हुआ, पॉक्सो एक्ट के तहत जब FIR दर्ज हुई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो करके ये चला जा रहा था कि अब उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी तक क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे कोई जल्दबाजी भी नहीं है हमें गिरफ्तारी करने की, ये पुलिस का विशेष अधिकार होता है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो वो तुरंत गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि मामले में कुछ गड़बड़ है या कोई सही आरोप नहीं लग रहे हैं, तो वो गिरफ्तार करें या ना करें, तो इसी आधार पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी। और अब खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सामने आई है कि जो नाबालिग पहलवान है वो अपने बयान से पलट गई है पटियाला हाउस कोर्ट में, लेकिन अभी तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पूरा मामला क्या है, क्या वाकई वो जो नाबालिग पहलवान है उसने अपने बयान पलट दिए हैं, अपने बयान से वे हट गई हैं या नहीं, तो ऐसे में क्योंकि जो पहचान है वो भी छुपाने की बात इसमें कही जाती है, कहना जल्दबाजी भी होगी, अभी उलझता हुआ दिखाई दे रहा फिलहाल, बिल्कुल अभी पूरी तरह से सुलझता हुआ ये मामला दिखाई नहीं दे रहा, अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा इस मामले में। खिलाड़ियों ने रेलवे में नौकरी तो ज्वाइन कर ली है, यानी कि अब वो जा रहे हैं नौकरी पर, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ट्वीट करके ये भी बता दिया है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अगर हम शुरुआत से देखें, बात करें तो पहले खिलाड़ियों की ही टीम बनाई गई थी जिसमें मैरी कॉम जैसे बड़े नाम थे, उसके बाद पहलवानों ने कहा कि नहीं, हम जहां से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने अब SIT का गठन किया, अब SIT इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, तो क्या रिपोर्ट को लेकर कोई खुलासा हुआ है? और अमित शाह से जब ये पहलवान मिले थे शनिवार को, क्या उसके बाद कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो अमित शाह के जो साथ बैठक हुई, उनकी मीटिंग हुई, उसी को लेकर उसके बाद का ही ये जो सामने आया है तथ्य कि उन्होंने अपनी जो है नौकरी दोबारा से ज्वाइन की है, तो शायद उनसे कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी उस मीटिंग के दौरान जिससे उनको आश्वासन दिया गया होगा कि जो मामला है इसकी जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून के जिस तरीके से उसकी काम करने की प्रतिक्रिया है वो उस तरीके से ही करता है, तो कानून किसी के लिए बदलता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें उस मीटिंग में जरूर कही गई होंगी, जो आश्वासन गृह मंत्री जी द्वारा दिया गया होगा उसको देखते हुए जो है साक्षी मलिक ने जो है अपने रेलवे की जो उत्तर रेलवे की नौकरी थी उसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया है।
हालांकि मैं बता दूं मई में इंटर जोनल एक चैंपियनशिप भी है जिसको देखते हुए जो साक्षी मलिक जो है उनके जी द्वारा अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। हाँ, और इस बात का जिक्र भी जी उन्होंने किया है, बिल्कुल अरुण बने रहेगा। हितेंद्र, अगर जी हम राशि देखें तो अभी सिरसा के दौरे पर आने वाले अमित शाह, और बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, और इस बीच पहलवान अपने नौकरी पर जा रहे हैं, इनकी मुलाकात होती, तो इसे भी जोड़कर देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं। बिल्कुल राजश्री, क्योंकि चुनाव का जब भी वक्त होता है तो कोई भी राजनीतिक दल हो, ये उनको सोचना पड़ता है कि जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो उसको किस तरह से वहाँ पर कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। और ख़ासतौर पर मोदी सरकार में ये देखने को मिला जब किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में जब चुनाव आए, बड़े राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश जी की बात करें या जी गुजरात की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, तो जब इस तरह से जो इलेक्शन आए तो उस दौरान जब लगा बिल्कुल कि बहुत हितेंद्र बने रहेगा, आप आपकी बात मैं सुनूंगी। उससे पहले जो साक्षी मलिक के पति है सत्यव्रत कादयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। लगातार पूरे मीडिया में फेक न्यूज़ चल रही है, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये प्रोपगेंडा प्लीज ना चलाएं। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये सत्याग्रह लगातार जारी है और ये और बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिश है, ये सब विफल हो जाएगी। मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, जो मीटिंग अभी हुई? तक कुछ डिसाइड नहीं। लगातार पूरे मीडिया में फेक न्यूज़ चल रही है, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये प्रोपगेंडा प्लीज ना चलाएं। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये सत्याग्रह लगातार जारी है और ये और बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिश है, ये सब विफल हो जाएगी। मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, जो मीटिंग अभी हुई? तक साक्षी मलिक के पति को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये गलत है, नाम वापस लेने की खबर